जी सर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया और आप लोगों से बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है। अब कॉमसाइट जब शुरू किया था 98 में और फिर 2000 में जब चार्टर मिला, अब आप 2022 है तो माशाल्लाह से 22 साल के बाद क्या प्रोग्रेस हुई, बड़ा अच्छा है। और कल काफ़ी दिन के बाद मैं आया था, आप लोगों ने बुलाया था और कल इंटरव्यू हो नहीं सका, आज इंटरव्यू हो रहा है या आपके साथ बातचीत हो रही है जिसे कहना चाहिए, तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लग रहा है। और आप जैसे आपके बच्चे होते हैं, तो अभी आप लोग तो सारे बच्चे हैं, लेकिन जो हमारे बच्चे होते हैं और जब वो बड़े होते हैं, पलते हैं, फूलते हैं, तो कितना अच्छा लगता है, पेरेंट के लिए बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है। और आप लोग होंगे भी पेरेंट जो आपको पढ़ा रहे होंगे और जिस वक्त आप बताते होंगे कि मेरा रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आया, मैं पास हो गया था, उनके लिए बड़ी खुशी की बात है। ये चीज़ मेरे लिए होती है कि ये एक चीज़ ऐसी थी कि जो कि बिल्कुल नई थी। वो वाइस चांसलर तो बहुत होते हैं, तो वाइस चांसलर जो जाता है और उसके बाद उसके पास एक यूनिवर्सिटी होती है, एक कैंपस होता है, डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वो उसके लिए शायद इतनी उसकी बात नहीं होती जैसे कि मेरे लिए इसलिए कि मैं 19 साल तकरीबन यहाँ पर रहा हूँ और ये सारे का सारा जो है ना बनते हुए, डेवलपमेंट होते हुए देखना और उसके बाद वापस आके देखना कि ये और डेवलप हो रहा है, बड़ी अच्छी बात लगती है माशाल्लाह से। अब वो बच्चे तो नहीं है जब मैं छोड़ के गया था, वो तो सब ग्रेजुएट कर गए, आप लोग बाद में आए और ये अच्छी बात है कि आप लोगों को मेरा पता है, मेरा नाम का पता है, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि आदमी भूल भाल जाता है, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, बड़ी सेटिस्फेक्शन की बात है कि जब मैं आता हूँ सारे लोग अच्छी तरीके से रहते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं अपने आप को वही समझता हूँ जैसे मैं 98 में था, या तो मैं उस वक्त इतना बुढ़ा हो गया था या मैं आज अभी उतना जवान हूँ, तो माशाल्लाह से अच्छा लगता है और आई फील कि ये इदारा जो है वो सही लाइन पर चल रहा है, सही उस पर डेवलप कर रहा है और इससे बड़ी सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। एक इश्तहार हमारे ज़माने में आता था, वो जब मैं बहुत छोटा था तो इस वक्त इश्तहार आया करता था कि आई फील वेरी हैप्पी एंड प्राउड व्हेन माय सन बीट्स मी इन माय ओन फील्ड। वो क्या था इश्तहार, वो एक इश्तहार था कि एक कोई एयरफोर्स का ऑफिसर था, एयरफोर्स का ऑफिसर वो फ्लाई करता था, उसके बाद उसका बच्चा एयरफोर्स में गया और उसका बच्चा उससे अच्छी जो है जहाज़ अच्छा एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है, तो वो इश्तहार आया करता था कि भाई आप अपने फादर को भी बीट कर सकते हैं उसके अपने फील्ड के अंदर, तो माशाल्लाह से बड़ी अच्छी बात लगती है। आई एम वेरी हैप्पी, आप लोगों को देख के बड़ी खुशी होती है। और कोई सवाल पूछे, सवाल पूछते जाए मुझे, आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। करंटली आप क्या करते हैं? करंटली कुछ भी नहीं करते हम, ऐसा है कि मेरे घर में मेरा बेटा रहता है, उसकी बीवी है, 3 बच्चे, यानी मेरे ग्रैंड सन 3 हैं, सबसे बड़ी बेटी है, पोती है जिसे कहते हैं, फिर 2 पोते हैं, उनको देखते हैं, उनके साथ एंजॉय करते हैं, मज़ा लेते हैं। ये जो बच्चे होते हैं ना अपने, इनकी बड़ी पिटाई करते हैं आदमी, उससे जवान होता है ना और कहता है ये भी उसको परफेक्ट बनाना चाहता है, वो कहता है बिल्कुल परफेक्ट हो मेरा जो बच्चा हो, बच्ची हो, मेरा एक बेटा है, 2 बेटी है। लेकिन ये जो लोग हैं इनको हम चाहते हैं स्पॉइल करना, ठीक है ना, उसके अब्बा या अम्मा डांटते हैं, खबरदार जो डांटा किसी को चलते हैं उसको पढ़ के ले आए अपना आराम से स्पॉइल करते हैं। तो एक तो ये हुआ, 3 मेरे वो ग्रैंड चिल्ड्रन है और एक मेरी बेटी है, उसका एक बेटा है, वो सबसे छोटा है, अमूसा उसका नाम है और वो तो हमारा क्या कहना चाहिए, शहजादा ही है। तो ये ग्रैंड पेरेंट्स के लिए बड़ी एक नेमत की बात है, आजकल बच्चों के साथ खेलते हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यूनिवर्सिटी बनाना आसान है, बहुत आसान बनाए जा रहे हैं, पाकिस्तान में बढ़ रही यूनिवर्सिटी 250 करीब यूनिवर्सिटी बन रही है, बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए और बननी चाहिए। इसी तरीके से ये तो गवर्नमेंट बना रही है, लेकिन दूसरे लोग ये समझते हैं कि यूनिवर्सिटी से अगर कहा जाए तो वो कल यूनिवर्सिटी बना देगा, ऐसा होता नहीं। तो आजकल काफ़ी सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे होते हैं यूनिवर्सिटी बनाने के लिए क्या करें कैसे करें, जब उनको हकीकत पता चलती है तो वो फिर बहुत सारे लोग पीछे हो जाते हैं, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, बहुत सारे लोग उस पर चल रहे हैं। तो अभी ऐसा है कि 3 लोग
ग्रुप है वो बनाने चाह रहे हैं यूनिवर्सिटीज, तो मैं उनके साथ उनकी मदद कर रहा हूँ। देखें बनती है नहीं बनती है, ये तो डिपेंड करता है। होम सेट का जो है ना, ये एक किस्म का मौजज़ा है, मौजज़ा बड़ी सही बात। देखें कि ये कोई ना मेरा कोई वीर था ना कोई इतनी मेहनत थी, ये अल्लाह मियाँ ने ही बना दिया। अगर आप सोचें कि सात पूरी यूनिवर्सिटी है, सात पूरी यूनिवर्सिटीज और जितने 40,000 स्टूडेंट्स इतने थोड़े टाइम में, उससे अच्छी बात यह है कि इतनी बड़ी फैकल्टी है जो आप लोगों के यहाँ मौजूद है ना, नए नए डिपार्टमेंट भी बनाए, नए नए कैंपस भी बनाए, ये अल्लाह मियाँ की तरफ से, ये अल्लाह मियाँ की मदद थी। और दूसरी बात जो है, जो टीम थी ना वो बड़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी टीम थी और है माशाल्लाह से। पर यही है कि मुझे गए हुए 5 साल हो गए यहाँ से तकरीबन, तो 5 साल के बाद भी वापस आता हूँ तो मुझे कोई कमी नज़र नहीं आती, मुझे आगे तरक्की नज़र आती। और हर जगह पे, किसी जगह पे भी आपने देखें देखा होगा तो होम सेट का नाम चल रही रहता है। अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का नाम सुना है, चल रहा है झगड़ा चल रहा है उस पर, वो होम सेट नहीं बनाई थी पहले, होम सेट ने इंट्रोड्यूस किया था, और अभी नहीं किया था, काफ़ी दिन पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था, ये तो अभी लाइम लाइट में आया है और लोगों ने बनाई है और चीज़ें की हैं। तो माशाल्लाह से हर जगह पे काम अच्छा किया। अभी जिस जगह हम बैठे हैं लाइब्रेरी देखें माशाल्लाह से, आप यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरी देखें तो यू विल बी सरप्राइज कि आपके होम सेट्स की लाइब्रेरी बड़ी अच्छी लाइब्रेरी है। नहीं बेटा, ज़्यादा बुक रीडिंग मैंने नहीं की, लेकिन मैंने नॉवेल्स बहुत अच्छी पढ़ी ज़माने में, लेकिन बहुत ज़्यादा बुक रीडिंग का शौक़ नहीं था। इसलिए शौक़ नहीं था कि मैं साइंस का स्टूडेंट, साइंस के स्टूडेंट को पढ़ना बहुत पसंद है, ठीक है ना। तो अपनी किताबें वगैरह पढ़ने के साथ साथ जो अच्छी किताबें तो पढ़ी हैं, लेकिन जिस तरह से बच्चे पढ़ते हैं, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। मतलब मेरा बेटा ऐसा है कि नॉर्मली ऐसा होता था कि जब हम सैटरडे को जाते थे शॉपिंग करने, तो उसको हम अपने एक बुक शॉप पे छोड़ दिया करते थे, ठीक है ना। बुक शॉप पे वो एक किताब उसकी होती थी फेवरेट, वो वहाँ से लेता था, वहीं बैठ जाता था, और बाई द टाइम हम वापस आते थे शॉपिंग करके तो वो किताब मुकम्मल कर लेता था। फिर वो हमसे कहते थे ख़रीद लो, उसे कहने मैंने पढ़ ली है, तो फिर कोई दूसरी दो किताबें उसके लिए, ठीक है। तो वो हिसाब किताब नहीं था। इसके लिए दो चीज़ें थी, एक जहाँ मैं पढ़ता था इंग्लैंड में बर्मिंगम में, उसके अंदर उसकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, वहाँ यूके वगैरह में लाइब्रेरी बहुत बड़ी होती हैं, ये हमारे यहाँ नई रिवाज है। तो यहाँ आके पहले मैंने देखा कि एक अच्छा कोई चीज़ होनी चाहिए जो एक यूनिवर्सिटी की पहचान हो, ठीक है ना। किसी जगह पर क्लॉक टावर लगा होता है, किसी जगह पर और होता है। तो जब मैंने आर्किटेक्ट से बात की तो उन्होंने कहा हम लाइब्रेरी बनाएंगे। अब लाइब्रेरी जब ये बनाएंगे तो इसके अंदर इस्तेमाल करने वाली कुछ चीज़ें भी तो होनी चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि इस्लामाबाद का जो मौसम होता है, इस्लामाबाद का जो मौसम होता है ना वो बड़ा सख्त होता है, सर्दी भी होती है उसमें बहुत सख्त, गर्मी भी होती है बहुत ज़्यादा, बारिश भी होती है, तो ये हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे, कहाँ बैठेंगे, वहाँ पर ज़मीन में बैठेंगे, सर्दी में मरेंगे। एक अच्छी सी जगह होनी चाहिए जिसमें 1,000 बच्चा, उस वक्त हमारे पास ये ख्याल था कि 4,000 इस कैंपस पे होंगे, अब 8,000 हैं बहुत ज़्यादा होंगे, 4,000 बच्चे होने चाहिए। तो 4,000 बच्चों के लिए 1,000 बच्चा किसी वक्त भी फारिग हो सकता है, तो इस लाइब्रेरी में 1,000 बच्चों की बैठने की जगह है, ठीक है, जो बैठ सकते हैं। लेकिन हमारा ख्याल था कि दो इसके और विंग बनेंगे, पैसा नहीं हुआ, कुछ चीज़ें नहीं हुई, तो बन नहीं सके, दो विंग और बन नहीं। अगर अभी भी इनको पास पैसा आया तो एक विंग और बना लें तो अच्छी बात, क्योंकि अभी मैं देखता हूँ कभी कभी आके इम्तिहानों के ज़माने में भरी हुई होती है बहुत बुरी, और बच्चे नीचे वो बैठते हैं, तो लेकिन वो अगर हो जाए तो अच्छी बात है। तो 1,000 बच्चों के बैठने की जगह। दूसरी बात ये है कि अभी आप लोग BS कर रहे हैं, अभी इंशाल्लाह MS करेंगे, तो MS के बाद MS में पढ़ना होता है, ठीक है ना, पढ़ना होता है, पढ़ने के लिए कोई जगह होनी चाहिए। तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है वो जगह बनाई जहाँ पे बैठ के अपना आप पढ़ सकें, आप काम कर सकें वगैरह वगैरह। सो इसलिए हमने एक लाइब्रेरी ये बनाई थी, और अल्लाह के फजल से बड़ी अच्छी लाइब्रेरी बन गई। अब इसको देख के
बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने लाइब्रेरी बनवाई, अब इसके वो एक्सपेंशन की ज़रूरत है। अब कॉमसेट्स जब बना रहे थे ना, तो कॉमसेट्स शायद आपको बताया होगा कि मैं एक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम कर रहा था, 20वें ग्रेड में मैं काम कर रहा था, तो बड़ा अच्छा था, सेट था, अभी तो अच्छा है, आप अफसर हैं आप। फिर उसके बाद यहाँ इन्होंने कहा कि जी इंटरनेट, बल्कि उल्टी बात कर, मैंने कॉमसेट्स को कहा, कॉमसेट्स एक इदारा बन रहा था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे परवेज अहमद भट्ट साहब, वो मेरे बड़े अच्छे, मतलब क्या कहना चाहिए, बॉस थे, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो सेक्रेटरी थे। सॉरी, तो जब वो बना रहे थे कॉमसेट, तो मैंने उनसे कहा कि जी आप पाकिस्तान में इंटरनेट लगाएं। उन्होंने कहा कि जी इंटरनेट कैसे हम लगाएं, तो फिर मैंने उनको एक प्रपोजल बना के दिया कि आप इस तरह से इंटरनेट लगाएं। तो फिर उन्होंने इंटरनेट लगाने की यहाँ पे वो किया, और इंटरनेट जब लगा रहे थे तो यहाँ पे उनको कोई आदमी नहीं मिला, मुझसे कहा कि जी आप आए और इंटरनेट लगाएं। तो फिर मैंने कहा कि जी मैं इंटरनेट मैं आता हूँ अभी, तो इंटरनेट लगाए, तो मैंने कहा मैं कैसे, मुझे यहाँ से आप छुट्टी तो दिलवाएं, तो लेकिन मेरा जो बॉस थे उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं और मैं आ नहीं सका। फिर इंटरनेट मैंने पीछे रख के लगवाया उनसे, और जब हम इंटरनेट लगा रहे थे तो हमें कोई आदमी नहीं मिलता था जो कि इंटरनेट लगा सके, ना नेटवर्क है, नेटवर्क को लगा दे सके, इक्विपमेंट डाया खरीद के लगा दे। तो हमने जाके दुबई से दो आदमियों को पकड़ा और उनको लेके आए और उनसे कहा कि जी आप इंटरनेट लगाएं। पाकिस्तान में एक बंदा नहीं था जो कि लगा सके, ये बात कि मैं 96 की शायद बात बता रहा हूँ। हाँ, 96 के अंदर जनाब ये सूरत हाल थी आपकी, तो 96 के अंदर आपके पास कोई बंदा है। तो हमने ये रियलाइज़ किया कि जी पाकिस्तान में आईटी के लोगों की बड़ी शॉर्टेज है। तो 98 में हमने मैंने फिर एक प्रपोजल बना के दिया कि एक कॉमसेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको बनाना चाहिए, जिसके अंदर आप स्टूडेंट्स को ट्रेन करें। मैं आता हूँ, तो स्टूडेंट्स को आप ट्रेन करें, और ट्रेन करने के बाद छोटे से इंस्टीट्यूट बनाएं। तो उन्होंने कहा कि जी कौन बनाएगा, आप बनाएंगे? मैंने कहा अब मैं बना दूँगा अगर आप मुझे वहाँ से छुट्टी दिला दें, क्योंकि मेरी तो वहाँ नौकरी है, और मुझे 22 ग्रेड मिलने वाला था। खैर, तो इन्होंने जो हमारे परवेज अहमद भट्ट साहब थे, उन्होंने वहाँ के सेक्रेटरी से बात की, और फिर वो उन्होंने यहाँ ले लिया। अब मुझे जो है ना, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपने एक इंस्टीट्यूट बनाना है, उस इंस्टीट्यूट के अंदर आपने ये करना है और ये नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स होते हैं ना, किसी भी जगह के डूज एंड डोंट्स दिए, और उसके साथ ₹1,00,000 $1,000 ऑर्डर दे दिए कि आपने ये शुरू करना है। ये जनाब कहानी है कॉन्सर्ट की, ना कोई बिल्डिंग है, ना कोई स्टूडेंट है, ना कोई चार्टर है, ना कोई पैसा है, क्या है, कोई ना कोई स्टाफ है, ना कोई सेक्रेटरी। जाओ जंगल में खुद करो, है जी, आई टुक द चैलेंज, अल्लाह के फजल से स्लोली एंड ग्रेजुअली हमने कोई जगह ली, साफ सूफ करके उसको बनाया, छोटे से हमने किसी के साथ मिलके कोई एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा शुरू कर दिया। फिर ऐसा हुआ 98 में ये हमने शुरू किया, एक साल ऐसे ही गुजारा किया, कुछ कोर्सेज करा दिए, कुछ ये करा दिया वगैरह वगैरह वगैरह। उसी दौरान ऐसा हुआ कि हमने 99 के अंदर सर सैद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जो कि कराची के अंदर है, उसके साथ एफिलिएशन लेके हमने दो क्लासेस शुरू किए, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी शुरू किए, तीन क्लासेस शुरू की। तो तीन क्लासेस जब शुरू कर दी हमने, तो 99 में आपको पता है कि एक इवेंट हुआ था, इवेंट क्या हुआ था कि यहाँ पे आर्मी ने टेक ओवर कर लिया था। तो आर्मी के जो उस वक्त के चीफ थे, उन्होंने कहा कि जी आप बुलाया मुझे एक दफ़ा, हम दो तीन लोग थे, बारी बारी बुला रहे थे, तो मुझे बुलाया, बड़ा डर लगता था। अब आप सोचे कि 99 की बात है, और वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, मैं उस वक्त 50 साल का, उनसे उम्र में तो ज़्यादा छोटा नहीं था, लेकिन वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, और उसने पूरे मुल्क पे वो लिया है, एक्वायर कर लिया है, क्या करना चाहिए उस वक्त, एंड देन ही वाज द हेड ऑफ दिस कंट्री, उस वक्त तक वो प्रेसिडेंट नहीं थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया, इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर थे,
तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ एजुकेशन के लिए। तो मैंने कहा जी एजुकेशन में ये सब यूनिवर्सिटीज बहुत कम है, आप यूनिवर्सिटी बनाएं पाकिस्तान के अंदर और यूनिवर्सिटीज की ज़रूरत है। तो जनाब यूनिवर्सिटी की ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने जब अपनी पहली तकरीर की उस तकरीर में ख़ास तौर से कहा कि जी हम यूनिवर्सिटीज़ को लिबरली चार्टर देंगे। ये कोई मेरे मिलने के कोई महीने के बाद उन्होंने स्पीच की थी। उस स्पीच के बाद ऐसा हुआ कि मैं तैयार था, मैंने अपने ये कॉमसेट को कॉमसेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चार्टर के लिए फ़ौरन अप्लाई कर दिया। लग्न करना हुआ है, हो गया। जब वो हो गया तो इंस्टीट्यूट हो गया, यानी कि आपको चार्टर मिल गया, अब आप कर सकते हैं, क्लासेस कर सकते हैं, कैंपस खोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। फिर तो हमें अथॉरिटी मिल गई, पावर मिल गई, एंड देन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट वन। फिर उन्हीं साहब को जो परवेज मुशर्रफ साहब थे, हमारे जनरल परवेज मुशर्रफ, उनको बुलाया हमने इनॉग्रेशन पे। इनॉग्रेशन पे तशरीफ़ लाए हम, सर सैद कैंपस जो है, सर सैद मेमोरियल जो है उसके बेसमेंट पे हम काम करते। वो आए वहाँ पे, बड़ी मतलब ऐसी ख़राब सी जगह थी, वो आए, उन्होंने वहाँ पे देखा। मैंने उनसे बड़े हिम्मत करके कहा कि सर वो हमें ज़मीन तो दिलवा दें और सी डी ए से कह के। उन्होंने कहा यार इस सी डी ए तो किसी की बात मानता नहीं, ना मेरी बात मानता, बड़े बुरे अल्फाज में उन्होंने कहा सी डी ए को। उन्होंने कहा कि मैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हूँ, मैं तुम्हें एबटाबाद में जगह दे दूँगा, एबटाबाद, क्योंकि वहाँ पे पी एम ए काकुल, उन्होंने उसके बाद सात जगह दे दी। फिर इस्लामाबाद में हमने धीरे धीरे कहीं ना कहीं इधर कभी उधर कभी इधर से काम करना शुरू कर दिया, और हमने एबटाबाद में भी जगह हमने कहा कि जी दे दी जगह, उन्होंने जगह दे दी हमें। जगह तो थी तो आर्मी की, लेकिन आप तो यकीन करेंगे कि उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बैरिक्स थी, पहली जंग अजीम में के अंदर लड़ाई में जो बैरिक्स बनाई थी, तो वो बैरिक्स वहाँ पर मौजूद थी। और वो फिर हमने जनाब ली उसको बड़ी मेहनत के साथ। हमने हमारे एक कलीग थे, उनका नाम हारून रशीद, हारून रशीद साहब ने बड़ी मेहनत की और उसको कैंपस को बनाया, बहुत अच्छी तरीके से बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया। उनकी वाइफ थी ताहिरा हारून, डॉक्टर ताहिरा हारून, वो भी उसके साथ थी। इन लोगों ने लीड करके बड़ा अच्छा बनाया। जब स्टार्ट किया तो किसी और जगह से किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्लास रूम वगैरह बनाए, एंड देन ये जनाब चीज़ें हो गई, और फिर उन्होंने वहाँ पे कैंपस बना दिया। इसी तरीके से फिर हमारे पास हमारे कॉलीग थे जो कि उसके अंदर मैनेजमेंट साइंस में प्रोफेसर थे, उनका नाम था डॉक्टर मुख्तार, जो बाद में एच ई सी के चेयरमैन भी बन गए। तो वो डॉक्टर मुख्तार हमारे साथ थे। फिर उन्होंने हमारे हम वा कैंपस बनाना चाह रहे थे, क्योंकि हमें जो वा में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो थे चेयरमैन पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के, जनरल कयूम साहब जो सेनेटर हैं आजकल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में होते हैं, तो वो हमारे पीछे थे कि हमें कैंपस बना के दो। तो फिर जनाब मुख्तार साहब ने ये जिम्मेदारी ली और उन्होंने वहाँ पे कैंपस बनाया, और बड़ा अच्छा कैंपस बनाया और दिनों में बना दिया, दो तीन चार दिन में, रात उन्होंने बड़ी मेहनत करके वो कैंपस बनाया, और वो कैंपस भी अच्छी तरीके से चल रहा है, अभी भी फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो ये जनाब ये तीन कैंपस हमारे बन गए। फिर ऐसा हुआ कि लाहौर के अंदर एक जगह पड़ी हुई थी अच्छी, जैसे बताया 180 एकड़ जगह थी, 180 एकड़स, बहुत ये आपकी 40 एकड़ के करीब जगह है, वो 180 एकड़स जगह, तो वो बनी हुई बेकार पड़ी हुई थी, और वो उस वक्त से बनी हुई थी, 99 अक्टूबर में बनी हुई थी। उसका नाम था मोहम्मद नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, समथिंग लाइक दैट। तो वो जनाब वहाँ पर थी, बड़ी बेकार पड़ी थी, इसलिए बेकार पड़ी हुई थी कि परवेज मुशर्रफ आ गया और उस ज़माने में नवाज शरीफ का नाम नहीं ले सकते थे, परवेज मुशर्रफ के ज़माने में बेकार पड़ी। फिर मैंने एक दिन अताउर रहमान साहब, जो उस वक्त मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थे, मैंने उनसे कहा सर ये बेकार पड़ी हुई है, आपसे कोई ना कोई तो पूछेगा कभी ना कभी, यहाँ नहीं पूछेगा तो वहाँ पूछेगा कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बेकार पड़ी है और आपने इसको इस्तेमाल नहीं किया, उनका पैसा भी लगाया। उन्होंने कहा कि कैसे तुम करोगे, मैंने कहा मैं करूँगा। तो मैंने उसको जगह को लिया, वो हमारी बिल्डिंग नहीं थी, वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने पंजाब गवर्नमेंट से ली, और फिर मुझे दी, मतलब कॉमसेट को दी, और हमने वहाँ पर तकरीबन 6.5 महीनों में क्लासेस शुरू कर दी। और वो उन्हें हमें जब जो जगह दी ना, वो जनवरी 2001 में थी शायद, जनवरी 2001 में, और हमने फरवरी 3 को हमने क्लासेस शुरू कर दी।
वो सारी चीज़ें वहाँ पे हमने की, क्लासरूम भी बनाए और फर्नीचर भी लेके आए, स्टाफ को भी किया हमने, स्टूडेंट्स को भी इंडक्ट किया, बड़ी तेज़ी से हमने काम किया एंड देन वी गॉट दोस। तो जनाब ये हमारे पास चार कैंपस बड़े अच्छे बन गए। फिर ऐसा हुआ कि सिविल गवर्नमेंट आ गई और उसमें उन्होंने देखा कि कॉमसेट्स क्या काम कर रहा है, कहीं तो बड़े अच्छा ही काम कर रहा है, इदारे बना रहे, लाहौर में बन गई। तो उस ज़माने में क्या नाम था, परवेज़ इलाही साहब जो आजकल स्पीकर हैं वो चीफ मिनिस्टर थे, तो उनका जो ब्रदर इन ला थे उन्होंने कहा कि जी एक अटक के अंदर कैंपस बनना चाहिए, एक अटक के अंदर कैंपस। उन्होंने जगह दी, हमें पैसे दिलवाए, हमने कहा ठीक है। हमारा तो काम ये था कि जितने भी कैंपस बन जाए अच्छा, हमने क्या करना है, बच्चों को पढ़ाना ही है ना, हमारा तो ये भी है जितने ज़्यादा बच्चे पढ़ जाए उतना अच्छा है। तो वो कैंपस हमने अटक पे बनाया और अटक के साथ साथ जब वो बन रहा था तो हमारे साथ जो मिनिस्टर थे उस वक्त चौधरी नरेश शकूर साहब, वो हमारे मिनिस्टर थे, वो हमारे चांसलर थे। उसने कहा जी आपने साहिवाल में कैंपस बनाने हैं। मैंने कहा सर कैंपस बनाना कोई मसला नहीं है, आपने ज़मीन दिलवानी है, आपने पैसे दिलवाने, बाकी काम मेरे, ये तो हमारा काम है। उन्होंने जनाब जाके ये जो परवेज़ इलाही साहब थे इनके ऑफिस में बैठ गए, उन्होंने कहा सर मैं नहीं जाऊँगा जब तक कि आप मुझे ज़मीन साहिवाल में नहीं देंगे, क्योंकि चौधरी नरेश शकूर का ताल्लुक साहिवाल से था। तो जनाब वो गए, उन्होंने ज़मीन वहाँ से करवा ली और वो एक दिन में चीफ मिनिस्टर के पास बैठे थे। चीफ मिनिस्टर ने ऑर्डर किए तो फिर जो इंचार्ज होता है सेक्टर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का है, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहते हैं, उनके ऑफिस में गए, उनसे कहा कि जी अलॉट करो मुझे, वो दो पेपर दो। उन्होंने पेपर दिए। खैर वो जब जगह जाके देखी मैंने तो वो बड़ी ऑकवर्ड जगह थी, बहुत इधर गलियों में से इधर उधर जाके बड़ी मुश्किल से हमने वहाँ पहुँचे। हम वहाँ पहुँचे फिर उसके बाद हमने बनवाई और चौधरी नरेश शकूर साहब ने उसमें काफ़ी मदद की। फिर जब ये बिल्डिंग बनना शुरू हुई और चीज़ें बनना शुरू हुई, इसी दौरान में हमने एक जगह किराए पे ली और वहाँ पर हमने क्लासेस शुरू कर दी। तो क्लासेस शुरू करने के लिए हमारे पास एक प्रोफेसर थे लाहौर के अंदर, उनका नाम था महमूद बोदला साहब, और लाहौर के जो डायरेक्टर थे उस वक्त शौकत हयात साहब थे। उन्होंने दोनों ने मिल के वहाँ पर किराए पर बिल्डिंग ली और किराए पर काम करके कैंपस शुरू कर दिया, क्लासेस शुरू कर दी, हॉस्टल ले लिया, हॉस्टल के अंदर बच्चों को रख दिया और फिर ये जनाब जगह बननी शुरू हुई। जगह बननी शुरू हो गई, कैंपस बन गया, तो फिर वहाँ पे रोड बना दी, रोड बना दी तो बिल्कुल मेन रोड से मिल गया फर्स्ट क्लास। अब वो जब रोड बन गई तो वहाँ जो इलाका है ना वो बड़े महंगे हो गए। पहले वहाँ पे वो 3 लाख रुपये किनार थी, अब वो 3 करोड़ रुपये किनार हो गए, इतनी महंगी अब जगह हो गई है। तो वहाँ पे लेकिन वो कैंपस बड़ा अच्छा बन गया, वेरी ग्रीन कैंपस, बड़ा अच्छा, और चौधरी नरेश शकूर साहब उस पर सपोर्ट करते रहे और वहाँ के और लोगों ने भी बड़ा सपोर्ट किया। अब हमने जब वहाँ बनाया तो वहाँ पे दो एक और यूनिवर्सिटीज़ बन गई वहाँ पे, देख के उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है एंड वी आर वेरी हैप्पी कि वहाँ पे काम अच्छा चल रहा है। अभी ये चीज़ चल ही रही थी कि एक और ऐसा हुआ कि हमारे साथ यहाँ पर मिनिस्टर नई आ गई, नई गवर्नमेंट आ गई, नई गवर्नमेंट में नई मिनिस्टर आई, वो थी खातून तमीना दौलताना। तमीना दौलताना आई तो उन्होंने कहा जी मुझे बिहाड़ी में कैंपस चाहिए। मैंने बड़ा चक्कर देने की कोशिश की उनको कि जी मैडम आप वहाँ से ये स्टूडेंट भेज दें, आप स्कॉलरशिप ले लें। मुझे हर डाउट के यार ये बिहाड़ी में टीचर कहाँ से आएंगे, फैकल्टी कहाँ से आएगी। उन्होंने कहा नहीं जाहिर साहब को पता नहीं है, यहाँ टीचर भी आ जाएंगे या स्टूडेंट, बड़ी ही डिमांड है। और वाकई में वो खातून सही थी क्योंकि वो लीडर थी, पोलिटिकल लीडर थी, सब कुछ था, मुझे तो इतना पता नहीं था। और वहाँ उन्होंने भी ज़मीन दिलवाई, उस ज़माने में शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, उससे ज़मीन दिलवाई और उन्होंने मुझे पैसे दिलवाए। हमने वहाँ पे भी कैंपस बना दिया जनाब, और वो कैंपस इतना अच्छा बना कि वहाँ पे बच्चियाँ ज़्यादा हैं, दूसरी जगहों पे आपके यहाँ तो 23% 24% बच्चियाँ होती थी और बाकी बच्चे होते थे, वहाँ पर 51% बच्चियाँ और 49% बच्चे थे। फिर दूसरी बात यह है कि जब कॉन्वोकेशन आपके यहाँ होते हैं, रेगुलरली होते हैं, 100 कॉन्वोकेशन हो गए थे जब मैं यहाँ से गया था, लास्ट मेरा कॉन्वोकेशन 100 था। तो इस कॉन्वोकेशन में देखा करता था मैं हमेशा कि बच्चों ने क्या ड्रेस पहना, यहाँ से आपने जीन्स पहनी हुई है ना, कोई मसला नहीं, लेकिन कॉन्वोकेशन में आपने फॉर्मल कपड़े पहन के आने, सबको पता था कि जही साहब ने कपड़े ज़रूर देखने होंगे। तो मैं जनाब देखता था
और लेकिन सबसे अच्छे कपड़े जो पहनती थी और बच्चियाँ वो विहाड़ी की बच्चियाँ पहनती थी। विहाड़ी की बच्चियाँ जो है ना वो जाके लाहौर से कपड़े लेके आती थी, भूटान से लेके आती थी, बुरेवाला से लेके आती थी कि यार कपड़े अच्छे होने चाहिए। कोई बच्ची हालांकि गरीब बच्चे भी होते थे लेकिन उनके कपड़े बड़े अच्छे थे। मुझे कभी शिकायतें करनी पड़ी, हमेशा तारीफ ही करनी पड़ी कि बेटा तुम्हारे कपड़े बड़े अच्छे हैं। तो उसके बाद उसका असर क्या हुआ, जब उनको पता चल गया वहाँ पे बिजनेसमैन को कि यार ये बच्चियाँ तो है ना इनको बड़ी अच्छे बुटीक से कपड़े पहन कर, वहाँ पे इतनी दुकानें खुल गई इस किस्म की कपड़ों की, जिसे क्या कहते हैं बुटीक कहते हैं आप, क्या कहते हैं हाँ बुटीक, बहुत सारी खुल गई और बड़ी अच्छी कपड़ों की वहाँ पे डिज़ाइनर्स ऊपर खुल गए, हर जो खाड़ी है और ये वो सब वहाँ मौजूद। तो इससे अब जब वो आ गई दुकानें तो वहाँ की औरतों ने भी पहनना शुरू कर दिया। अब वहाँ की और हमारे जो लोग कहते थे यार हमारे लिए मुसीबत कर दी तुमने, हमारी बीवियाँ जो है ना महंगे कपड़े जाके पहनती अच्छी तरीके से, हमने कहा ठीक। तो बाहर वहाँ पे एक चेंज आया। अब चेंज जब आया इसका और चेंज का इम्पैक्ट देखें क्या हुआ। अब ये जो जब बुटीक होती है ना तो इसकी दुकान अच्छी होती है, ज़रा साफ़ सुथरी होती है। तो पहले जो दुकानें होती थी ना ये इस तरह की बड़ी करियाने की दुकानें जो होती थी इस तरह की, फिर उन्होंने वहाँ पे प्लाजा बनने शुरू हो गए, उसके अंदर और चीज़ें आनी शुरू हो गई। तो एक उस जगह पे बड़ा कल्चरल चेंज आया और वो कैंपस भी अभी बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप उसको सुन के हैरानी होगी कि वहाँ पे तकरीबन 100 से ज़्यादा PhD है। 100 PhD यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होते, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नहीं होते, लेकिन कॉन्सेप्ट में उस जगह पे 100 PhD है। फिर जब हम लोग आपस में बैठे तो पहले दिन हमने ये कहा कि जी हाँ स्मोकिंग नहीं होगी। तो हमारे किसी भी कैंपस के अंदर स्मोकिंग नहीं होती, सारे स्मोकिंग फ्री कैंपस है। देखिए ये भी एक चीज़ है ना, बच्चों के लिए ट्रेनिंग है, टीचर्स के लिए ट्रेनिंग है, तो ये हमने काम किया। फिर नंबर दो क्या हुआ, जो इस तरीके से हमने ये चीज़ें करनी शुरू कर दी। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि हमने कहा कि जी टाई पहन के आना है, या तो टाई पहन के आएंगे या बुशर्ट पहन के आएंगे या कमीज सलवार पहन के। तो हमने जब तक मैं या वो 2017 तक, तो जहाँ पर कोई भी फैकल्टी मेंबर ऐसा नहीं था जो टाई पहन के नहीं आता, जीन्स तो बिल्कुल मना थी। शुरू के अंदर 2005 या 2006 तक स्टूडेंट को भी जीन्स अलाउ नहीं करते थे, 4 या 5 मुझे सही याद नहीं। लेकिन उसके बाद फिर जब थोड़े से डिसिप्लिन आ गया तो फिर माशाल्लाह से हमने कहा जीन्स भी पहनो, जो मर्ज़ी पहनो, तुम्हारा अपना वो है, बच्चे भी पहने कोई मसला नहीं। और आप देखें जो डिसिप्लिन यहाँ पर है ये और जगहों पर नहीं है, जो तमीज़ है, सलीका है, कॉम सेट के किसी भी कैंपस के अंदर जाए तो वहाँ। फिर लास्टली ऐसा किया हमने कि हमने कहा जो फैकल्टी मेंबर है, हमने कहा बेटा आप लोग अपनी क्वालिफिकेशन इम्प्रूव करें, आप PhD हो जाए, ठीक है ना। अब आप जो है पढ़ रहे हैं ना, आप पढ़ रहे हैं और टीचर नहीं पढ़ रहा, तो ये कैसी बात है, टीचर को भी पढ़ना चाहिए। पहले तो हमारे पास MSc होते थे, BSc होते थे, फिर हमने MSc कराए, बहुत सारे बच्चों को भेजा और MSc कराया फिर MSc के बाद फिर हमने PhD के लिए लोगों को भेजा। पहला बैच हमने चाइना भेजा, उसमें 22 से 23 लोग थे, उनको भेजा, बड़े अच्छे तरीके से PhD कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे जनाब शुरू कर दिया PhD। तो कॉमसेट्स के अंदर इस वक्त शायद 1200 या 1300 PhD है, बड़े ज़्यादा है। फिर टीचर्स के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि पब्लिकेशन करें। अब कॉमसेट्स इस वक्त टॉप पे है जो रिसर्च पब्लिकेशन करता है, रिसर्च पब्लिकेशन बहुत अच्छी तरह से करते हैं। ये अब पुरानी बातें थोड़ा सा आगे की तरफ देखें, लेकिन माशाल्लाह से ये मेरी सेटिस्फेक्शन है कि ये बहुत अच्छा इदारा बन गया है। हम स्टूडेंट बड़े अच्छे, फैकल्टी बड़ी अच्छी है और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है। कुछ दिन ऐसा हुआ कि हमारे पास थोड़ा सा ये ट्रांजिशन फेज़ में रहा तो हमारे यहाँ HR के कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, जिसमें फैकल्टी को थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, थोड़ा सा स्टाफ को आया, स्टूडेंट्स को आया, कोविड का भी मसला आया। तो इसका इम्पेक्ट आया, हर जगह पर ही आया और आना ही था हर जगह पर। अब ऐसा है कि अब ये स्टडी स्टेट की तरफ जा रहा है, जब स्टडी स्टेट की तरफ जा रहा है तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब इसको आगे क्या करना चाहिए, देखें। अब जो डिस्टेंस एजुकेशन था आप लोगों ने चलाया ही ना, ऑनलाइन एजुकेशन जिसे कहते हैं, वो आपने किए हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हम पहले से तैयार हो रहे थे, जिसमें हमारा वर्चुअल कैंपस था और हम वहाँ पर दे रहे थे ऑनलाइन। तो अब
टाइम आ रहा है ऑनलाइन एजुकेशन का, आपको तैयार होना पड़ेगा, ठीक है ना, स्टूडेंट्स को भी कि कैसे इससे सीखते हैं, ठीक है ना। आपने ऐसा कर लिया कि यार बस अब टीचर को तो बेवकूफ़ बना लेंगे ऑनलाइन में, ठीक है हमारा काम चल जाएगा, ये तो बड़ी ही गलत बात होगी कि आप ऑनलाइन का फ़ायदा उठाने के बजाय नुकसान कर जा रहे हैं। जब मैं पीएचडी करने गया, ये 1980 की बात है, तो 80 में मेरे पहला इम्तिहान 80 के अंदर था, तो 80 के जब इम्तिहान में मैं गया, पहला पेपर जो देखा तो बहुत बड़ा हॉल था उसमें, मतलब कुछ 5-7 लोग होंगे और इम्तिहान देने वाले बच्चे होंगे कोई 1000 के करीब, तो कम से कम होगा, और 5-7 लोग वैसे ही उन्होंने पेपर बांटा और बैठ गए अपना आराम से। मैं देख के हैरान हो गया कि कोई बच्चा इधर उधर नहीं देख रहा, किसी से पूछ नहीं रहा, कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही, वो अपना काम कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, यानी वो खुद अपने आप को, उन्होंने अपने आप सीखना है तालीम तो कैसे सीखेंगे, अपने आप का एग्ज़ाम करना है तो कैसे करेंगे, वो इसी तरीके से करेंगे। सो ये चीज़ होनी चाहिए, ये कोई है नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, हम तो अपने इम्तिहान दे रहे हैं, अपने आप को चेक कर रहे हैं, अपनी काबिलियत कर रहे हैं, अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं। देखें जो क्रिकेट जो खेल रहा होता है ना, और वो अगर 5 चक्कर नहीं लगाएगा ग्राउंड पे तो उसका स्टेमिना कैसे बनेगा, वो अगर 2 स्टेमिना है, 2 चक्कर लगा के ख़त्म हो जाएगा और कहेगा मैं ठीक हूँ, तो वो मैच नहीं खेल सकेगा। सेम थिंग हेयर ऑल्सो, अगर आपने डिस्टेंस एजुकेशन पर जाना ही है, तो हमारे पास कोई बंदा भी हो ना हो, टीचर हो ना हो, हमने तो एग्ज़ाम देना है और सही देना है, ईमानदारी के साथ देना है, इसके लिए तैयारी करनी है। फिर उसमें जो है इम्तिहान उसी तरह के देने, प्रैक्टिकल कैसे करेंगे आप, कैसे जाएंगे, कहाँ पे करेंगे, ठीक है ना, कैसे आप सर्किट वगैरह बनाएंगे, इन चीज़ों के लिए सबको तैयार होना पड़ेगा। अगर ये तैयारी नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए मसले मसाइल आएंगे। सेम इज़ ट्रू फॉर द टीचर ऑल्सो, तो कॉम सेट को इस तरफ तैयारी करनी पड़ेगी। इसी तरीके से जब स्टूडेंट नहीं होंगे, या अगर यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी, यूनिवर्सिटी के अंदर क्लासेस नहीं होंगी, तो ये टीचर्स ने रिसर्च कैसे करनी होगी, आपने रिसर्च कैसे करनी होगी, ये भी चीज़ें तैयारी करनी होती है। ये तो कोविड का मैं बता रहा हूँ आप पास, लेकिन अगर नॉर्मल सूरत हाल है तो अब आपने पाकिस्तान के अंदर तो रैंकिंग कर ली ना, देख ली ना, अब उसको भूल जाए, अब पाकिस्तान के अंदर आपकी 20वीं रैंकिंग है या 4वीं रैंकिंग, 4थी रैंकिंग है, तो कोई घबराने की बात नहीं। लेकिन अब आपने क्या करना है, देखना है कि आप दुनिया में किधर से जाएंगे, किसके साथ आपने कम्पीट करना है, एक को टारगेट कर लेना, कोई एक अच्छी यूनिवर्सिटी देख लें, उसको आप मुकाबला करें कि वो क्या कर रहा है। अगर आपने इस सबको करना है कि हार्वर्ड से भी करना है जी, कैम्ब्रिज से भी करना है और ऑक्सफोर्ड से भी करना है, ऐसा नहीं होगा। सारे टीचर्स को मिलके एक जगह एक यूनिवर्सिटी को लेना होगा, एक यूनिवर्सिटी के साथ काम करना होगा, वो देखें और वहाँ तक लेके जाए, ये दूसरा काम होगा। तीसरी बात है, जो हमारे यहाँ बच्चे हैं ना, इनको भी अपने लेवल ऊँचा करना होगा, ठीक है। अभी जो है ना, ये आ रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, उन्होंने पढ़ाई कर ली, रट्टा लगा लिया, इससे देख लिया, उससे देख लिया, तो नॉट लाइक दैट, दे हैव टू बी टॉप ऑफ द टॉप। आपने नाम सुना होगा अच्छी यूनिवर्सिटी है, MIT का नाम सुना है, ठीक है, MIT वहाँ पर भी लोग होते हैं, अब वो स्टूडेंट में और आपने क्या फील है, अब आपने उसको उस गैप को पूरा करना है। इसी तरह से इंडिया का नाम लेना नहीं चाहता था मैं, लेकिन ले रहा हूँ उनके इंस्टीट्यूट है IIT के नाम से, ठीक है। IIT के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे इंडिया से टॉप क्लास आते हैं, और उसके बाद वो पढ़ाई करते हैं, और वो MIT के स्टूडेंट्स को और हार्वर्ड के स्टूडेंट्स को टफ टाइम दे रहे होते हैं। तो आपको भी उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा अगर आपने मुल्क के लिए कुछ करना है। अभी तो आप अपने लिए कर रहे हैं ना, इदारे के लिए कर रहे हैं, अब टाइम आया है कि अपने से निकल के, इदारे से निकल के, अब आपने मुल्क के लिए जो काम करना है, और उसके लिए मुल्क के लिए काम करने के लिए वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। अब आप लोग ने नाम सुना होगा JF-17 एक जहाज पाकिस्तान बना रहे हैं, बहुत बना रहा है, अब चाइना की मदद से बना रहा है। फिर आपको ये सोचना होगा कि यार ये जो जहाज़ बन रहा है ना, नहीं नहीं नहीं, ये जहाज़ जो है ना, ये कॉमसेट में बनना चाहिए। कॉमसेट का जो कैंपस है वहाँ पे अटक में, उसके अंदर ये बनना चाहिए। इसके अंदर मेटल भी होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स भी होनी चाहिए, एवियोनिक्स भी होनी चाहिए, फ्यूल भी होनी चाहिए, केमिकल टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, सब चीज़ें कॉम सेट बना के दें, ठीक है। ये ख्वाब होना चाहिए, नहीं नया जहाज़, उसके बड़ा बाद का जहाज़ वो भी हम बनाएंगे, ठीक है ना। अभी ये जहाज़ जो है वो इतनी हाइट पर जा सकता है, अब दूसरा जहाज़ हम बनाएंगे वो उससे भी ज़्यादा हाइट पर जाएंगे। ये जो है हमारा जहाज़, ये उससे डिटेक्ट हो जाता है
रडार भी आ जाता है, अब जो दूसरा जो है जैसे स्टेल्थ बॉम्बर वगैरह है वो तो उसमें भी नहीं आते, हम उससे भी अच्छा बनाएंगे, अच्छी मेटलर्जी बनाएंगे ना। जब वो बात वहाँ पहुँचेगी तो फिर बात बनती है, फिर कौन आप पे अटैक करेगा, कौन आपके पास आएगा जब आप उस तरह की बात कर रहे होंगे। सब लोग तो आपके वहाँ बैठे होंगे कि जी हमने आपका जहाज़ खरीदना है, अभी भी आपके पीछे लोग हैं जो आप कह रहे हैं कि जहाज़ हमें दे दो। कुछ सियासत होती है उसमें जो आप बेच सकते हैं नहीं बेच सकते वगैरह वगैरह, तो लेकिन आपने तो उसको करना होगा। फिर आप कहेंगे जी ये जो क्या होता है ड्रोन होता है ना, अब ड्रोन टेक्नोलॉजी तो आम है, अब वो देखें जो ये अभी ओलंपिक हुए थे उसमें कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, 1000-2000 जो ड्रोन ऊपर से उड़ाए जा रहे हैं, इधर से आ रहे हैं इधर जा रहे हैं, बड़े फर्स्ट क्लास, कभी कुछ किसी का झंडा बना रहे हैं कभी कुछ बना रहे हैं, अब वो भी तो किसी ने किया ही है ना। या दूसरे लफ्ज़ों में अब कराची से यहाँ का सफ़र कितने देर लगते हैं, यहाँ से लगते हैं कोई 22 घंटे लगते हैं, कोई 20 घंटे लगते हैं, कोई 18 घंटे लगते हैं, क्यों? उस वक्त तकरीबन वो 1500 किलोमीटर है, हमारी स्पीड अगर 300 किलोमीटर है तो 5 घंटे में कराची पहुँच, 5 घंटे में क्यों नहीं पहुँचते, बुलेट ट्रेन क्यों नहीं बनाते हम, ठीक है हमने बनानी है, क्यों नहीं अब उस लेवल में पहुँचना है ना। अब ये आटा चीनी दाल की उसमें नहीं बसना है, उससे भी आगे निकल रहा है आटा, सरप्लस है हमारे पास, अंगूर बेहतरीन क्वालिटी हम बना रहे हैं, इतने अच्छे अंगूर बना रहे हैं कि हम वो 5 रुपये किलो के हिसाब से दे रहे हैं, सरप्लस है ना हम बना रहे हैं। अब जब शॉर्टेज है इम्पोर्ट कर रहे हैं तो फिर हमारे लिए मुश्किल, अब जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं हर चीज़ को हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो सेब है आपका, चाहे वो आपकी नाशपाती है, चाहे आपके वो ग्रेप फ्रूट है, अगर वो इम्पोर्ट करेंगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे तो महंगाई होगी तो फिर मुश्किल होगी, मुल्क कहाँ से कहाँ तक अफोर्ड करेगा। अगर यही सारी चीज़ें खुद बनाएंगे खुद प्रोड्यूस करेंगे, अल्लाह के फजल से मुल्क है ना, उसका नाम मैं लेना नहीं चाहता, इसराइल है ना, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है ना, अब भी वो प्रोड्यूस करें उस क्वालिटी की करेंगे जी, अंगूर आपके पास बेतहाशा है, अनार आपके पास बेतहाशा है, आपके पास सब लोग खा रहे हैं, सब गरीब के पास दूध भी है, अब दुनिया में आप चौथा मुल्क ऐसा है जो कि मिल्क बनाते हैं प्रोड्यूस करते हैं, चौथा मुल्क है आप 210 मुल्कों में से, जब चौथा आप मुल्क हैं और आप क्या ना आप उससे अच्छा मक्खन बना रहे हैं या पनीर बना रहे हैं। स्विट्ज़रलैंड क्या है, इतना सा मुल्क है स्विट्ज़रलैंड, ठीक है ना, और क्या कर रहा है, दुनिया के बेहतरीन चीज़ वो प्रोड्यूस करता है, उसमें से पैसे आते हैं, दुनिया की बेहतरीन चॉकलेट वो बनाता है, आप क्यों नहीं कर सकते, आपके यहाँ दूध भी है चीनी भी है आपके पास सब कुछ, सब प्लस है, कोको चाहिए कोको आप इम्पोर्ट करें, तो आप चॉकलेट तो अच्छी बनाए ना, पाकिस्तान की चॉकलेट दुनिया के अंदर हो गई, आप पनीर अच्छा बना रहे हैं, पनीर हम भी खाएं तो थोड़ा सा हमारे लिए भी अच्छा है सेहत के लिए, आप लोगों के लिए भी अच्छा, अब पनीर तो हम खाते नहीं हैं बहुत कम, कहाँ से अच्छा होता ही नहीं है पनीर, तो ये चीज़ें भी हमें करनी पड़ेंगी, और इस यहाँ पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, उस किस्म के नए नए सब्जेक्ट्स आने चाहिए, जैसे मैंने मिसाल दी आपको छोटी सी मिसाल दी, अब PIA है ना, PIA जी लॉस में जा रहा है, क्यों? आप लोग बैठ के यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि यार ये एक बिज़नेस वेंचर है, आपके MBA के स्टूडेंट्स, आपके MBA की फैकल्टी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सारी बैठ के करें, क्यों जा रहा है लॉस में, इसलिए जा रहा है कि ये 5000 एम्प्लॉय ज़्यादा है, एक चीज़ है, तो आप कहते हैं प्रपोज करते हैं कि यार ये 5000 एम्प्लॉय को वहाँ से तो हटाओ ना, पहले आप हटाओ, आप निकालो मत, बिल्कुल मत निकालो, ये 5000 एम्प्लॉय आप अलग कर लो और आप जहाज और लेके आओ तो एक लाओ दो लाओ तीन लाओ, इन लोगों को धीरे 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 एम्प्लॉय कर दो, ठीक है ना, आपने उसको प्रॉफिटेबल बनाना है, उस इदारे को प्रॉफिटेबल बनाना है, ये कह रहे हैं कि इस वक्त आपके पास जहाज़ कम है लोग ज़्यादा है, ठीक है मान लिया, ये जितने भी लोग ज़्यादा हैं इनको अलग कर लो और वो जो बाकी चीज़ है ना उस बाकी चीज़ को पहले चलाओ प्रॉफिटेबल कर दो, कि आपने कहा कि जी 29,000 जो एम्प्लॉई है उसमें से हमें 5,000 ज़्यादा हैं, 24,000 आप रख लें, 5,000 हमें दे दें, इसको प्रॉफिट में चलाएं, और दूसरे जो तरफ एक टीम लगा दें जो कि 5,000 लोगों के साथ नई एयरलाइन या नए एयरक्राफ्ट के साथ काम चलाएं। अब ये तो मैं वैसी झटके वाली बात कह रहा हूँ, ये सही है गलत है मुझे क्या पता है, लेकिन आपके बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन वालों को ये चीज़ें बतानी चाहिए कि PIA कैसे प्रॉफिटेबल इदारा बनेगा। स्टील मिल्स आपकी बंद पड़ी है, दुनिया में स्टील मिल्स प्रॉफिट पे चल रही है ना, तो स्टील मिल्स को आपके लोग बैठ के एनालाइज करके आपको स्टील मिल्स चलानी है, ठीक है, आपने जर्मनी की स्टील मिल्स चल रही होती हैं, जापान की स्टील मिल्स चल रही होती हैं,
उन स्ट्रीम्स में इसके मुकाबले में आपने भी काम करना है। ये कॉमसेट्स का फ्यूचर इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। जिस वक्त रिजल्ट अनाउंस हो रहा हो ना एट सेमेस्टर का, तो बाहर खड़े उन लोग उनको बच्चों को पकड़ने के लिए कि मैं प्रॉक्टर एंड गैंबल का, मुझे ये बिजनेस के लोग चाहिए, ये जो है इस है तो फलाने मुझे लोग चाहिए। दैट्स हाउ थिंग्स शुड बी जी। और कुछ बताएं सर, आपकी स्पोर्ट्स में क्या इन्वॉल्वमेंट थी? स्पोर्ट्स में मतलब यूनिवर्सिटी में पूछ रहे हैं या घर पे पूछ रहे हैं? यूनिवर्सिटी पुरानी भी अभी भी अगर कोई है तो। बेटा मैं अच्छा स्पोर्ट्समैन था अपने ज़माने में, क्रिकेट में खेलता था, अच्छे खेलता था, मेरा यूनिवर्सिटी में अपने डिपार्टमेंट वगैरह की टीम में था, मैं अच्छा विकेट कीपर था उस वक्त। बैडमिंटन मैंने बहुत खेली, स्कूल लेवल पर हॉकी खेली, लेकिन घर की तरफ से मुझे इनक्रेजमेंट नहीं दी। मेरे फादर का कहना था यह कि पढ़ाई कर लो फिर बाद में जो मर्जी करो। ये देखें मुझे शौक़ था जिसकी वजह से एक क्रिकेट ग्राउंड बनवाया, अटक में भी क्रिकेट ग्राउंड बनवाया, अहमदाबाद में बनवा रहा था, बना नहीं अभी तक। लाहौर के अंदर जो है क्रिकेट ग्राउंड वो शायद उन्होंने मेरे नाम के ऊपर बाद में कर दिया, तो लाहौर के अंदर भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर बच्चे स्पोर्ट्स ना कर रहे हों, हर बच्चा तो ये बेकार है, ठीक है। यूनिवर्सिटी के अंदर अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स नहीं कर रहा है और वो कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में नहीं है तो यूनिवर्सिटी के लिए अच्छा नहीं है। अगर ये दोनों काम नहीं कर रहे हैं और वो टॉप क्लास स्टूडेंट नहीं है तो फिर बेकार है। पहली चीज़ ये कि स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स करें, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में करें, अगर वो नहीं हो तो टॉप क्लास स्टूडेंट हो जी। अब मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा है फिर आप टॉप क्लास स्टूडेंट, आपके जो CGPA 3.7 से ज़्यादा होना चाहिए। स्पोर्ट्स में अच्छा खेलता था और अभी भी शौक है, अभी भी मतलब जो है इसको मैं फॉलो करता हूँ, चाहे वो मैच एशेज का हो चाहे मैच किसी का। आप क्रिकेट खेलते हैं? नहीं सर, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। फुटबॉल अभी मैं ना आजकल मैंने फॉलो करना छोड़ दिया है, लेकिन मैंने बहुत फॉलो किया था। आपको शायद पता होगा एक दफ़ा हमारे यहाँ पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरून आए थे, ठीक है। डेविड कैमरून साहब आए थे, उसके अगले दिन उनकी टीम आई थी और मुझे पता था वो टीम जो थी इंटेलिजेंस की थी, ठीक है ना। इंटेलिजेंस होता है क्या कर रहे हैं, उनको पता होता है, देख रखते हैं कि क्या हो रहा है इस जगह पे, किस तरह के स्टूडेंट निकल रहे हैं। तो मेरे पास आए थे तो मैं समझ गया था कि वो इंटेलिजेंस के लोग। डॉक्टर सर, व्हाट कैन वी डू फॉर पाकिस्तान? मैंने कहा सर यू आर जोकिंग, आई एम ओनली responsible for comsets. If you ask me the what you can do for comsets, I'll be very happy to tell you. Pakistan ke liye to prime minister se puchhein aur usse puchhein to behtar pata hai. Kaha nahi nahi tumhe bhi to kuch pata hoga angrezi mein, aap bataye mujhe. To bahut karne ka maine kaha ke we have got 100 districts, please aap yahan par 100 football ground banaye, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छा फुटबॉल ग्राउंड, अच्छा क्लब एक डेवलप करें जिससे, और लीग बनाए जैसे इंग्लैंड में बनाई, ठीक है। और मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डिवीजन की टीम से वो बनाए आप, और 5 साल आप लोग इसको मैनेज करें। हमारे बच्चे जो बजाय इसके इधर फिर रहे हैं उधर फिर रहे हैं तो वो एक फ़ुटबॉल की तरफ लगते हैं। अब इंग्लैंड के फुटबॉल देखते ही होंगे, हर सैटरडे को हर वेंसडे को शाम को करते ही। अब तो कह रहे हैं कोरोना वो सब मैच खेल रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा कि जी आप ये बनाएं, मैं भी चाहता हूँ अभी भी। सबसे आसान मतलब इसमें कुछ खर्चा ही नहीं होता जी सर। मैंने बड़ी कोशिश की थी इसके बराबर में हमें जो ग्राउंड है वो मिल जाए और वहाँ फुटबॉल खेले, वहाँ पे लोगों ने खेलने नहीं दिया, ये जो ये स्कूल वाले थे उसके फुटबॉल, लेकिन मैं चाहता हूँ फुटबॉल अच्छी होनी चाहिए। सर अभी जब आप आ रहे थे तभी मैंने देखा वर्कर्स जिस हिसाब से आपको मिल रहे थे, और अभी हम डॉक्यूमेंट्री भी कर रहे हैं वर्कर्स के अराउंड अनसंग हीरोज ऑफ कॉन्सर्ट्स के नाम से, और उस दौरान मुझे ऐसे वर्कर मिल रहे हैं जो 15-20 साल से कॉन्सर्ट से अटैच्ड हैं, वो सारे आपका नाम लेते हैं कि जैदी साहब हमें लेके आए, कोई 2-3 के हैं, कोई 2 के हैं। तो तब आपके टाइम पर क्या इनका पॉलिसी थी और आपने कैसे इनका वो कनेक्शन डिवेलप कराया कॉन्सर्ट्स के साथ कि अभी तक वो उस तरह से जुड़े हुए हैं? देखें इस पूरे जो है ना इदारे के अंदर
किसी ने आप में से किसी ने जानना हो काम शाम तो प्लीज़ फील फ्री। तो ये जितने सिंसियर मैं हूँ उतने सिंसियर ही हैं, ठीक है ना। तो आपने बताना होगा कि आप और असली लोग तो यही है ना जो काम कर रहे हैं, अगर आप इनके साथ काम नहीं करेंगे ये कैसे होगा। शायद आपको ये पता है या नहीं पता है कि मैंने यहाँ पर तकरीबन 19 साल किया है यहाँ पे जॉब जगह। इस 19 साल में मैंने 3 दफ़ा मुझे गुस्सा आया, 3 दफ़ा, और 3 दफ़ा मैंने किसी को डांटा हो। और लास्ट टाइम जब मैंने डांटा था वो 2006 में डांटा था, मतलब मैं तो किसी को डांटते नहीं था, ठीक है। जब ये मेरे खुद काम इतना करते हैं, जब काम करेंगे तो गलती करेंगे, गलती करेंगे आपने डांटना है, आप ही नहीं तो उसको अप्रिशिएट करना है कि यार देखो आज गलती हो गई तो कोई बात नहीं, उसको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि उससे गलती हो गई तो कोई मसले वाली बात नहीं। तो कभी इनको मैंने डांटा नहीं। और अब तो मैं काफ़ी दिन से बाहर हूँ तो नाम भूल गया हूँ, लेकिन उसमें मुझे 95% 97% लोगों का नाम याद है, पर्सन चाहे नाइट पर्सेंट है चाहे कोई है। और ये जो मेरा ऑफिस था ट्रैक्टर का, ये हर वक्त हर आदमी के लिए खुला था, ठीक है ना। अब ये आप लोगों को पता है कि अगर आप किसी को बात सुन लें तो आधे मसले हल हो जाते हैं, अगर आप उसको सुनेंगे नहीं तो बेचारा अपना परेशान रहेगा ना। और आप जब सुनेंगे तो किसी वक्त आपके जहन में रहेगा कि यार ये मसला है। अब ये जो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, ये स्टाफ है बेचारे गरीब लोग हैं, गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल से खाना खाते हैं। सारा आदमी जो एफर्ट कर रहा होता है वो खाने के लिए, जो पैसे ज़्यादा कमाता है वो मेज़ पर बैठे खाना चाहता है, जो ज़्यादा होता है वो छुरी कांटे से खाना चाहता है, बाज़े लोग ज़मीन पर बैठ के खाना खाते हैं। तो मैंने ये देखा कि मेरा जो स्टाफ है ये बेचारा दोपहर को जो खाना खाता है किस तरह से खाना खाता है। पहली चीज़ ये है कि ये क्या करता है कि आप लोग घर से खाना ले आते हैं, ठीक है, 2 रोटी लिया है उसने वहाँ रख लिया, या खाना लिया है तो उसने वहाँ छुपा के दे रख लिया, या मैंने खाना खाया और खाना थोड़ा सा बच गया तो उसने वो खा लिया, या मेरा खाना थोड़ा सा बच गया उसने 2 रोटी लिया है, या घर से कुछ एक अंडा फ्राई करके लिया है 2 रोटी लिया है 2 आदमी ने खा लिया, प्याज लिया है तो खा लिया। मैंने सोचा दिल में एकदम 2-3 साल के बाद, बल्कि ज़्यादा देर के बाद 2008 की बात है, तो मैंने ये सोचा कि यार ये बड़ी गलत सी बात है। और ये चीज़ मुझे यहाँ आके महसूस ज़्यादा हुई कि ये लोग खाना सही तरह से नहीं खाते, और अगर ये सही तरह से खाना नहीं खाते या फाका करते हैं दोपहर के बाद तो शाम को आप कितनी देर तक रोक सकते हैं। तो बेचारे तो मर निढाल हुआ होता होगा ना। तो मैंने ऐसा किया कि जितने भी हमारे जो लोअर ग्रेड के एम्प्लॉयज़ हैं, यानी OG1 स्टाफ ग्रेड 1 या स्टाफ ग्रेड 2, इसमें नायब कासिज आते हैं, इसमें चौकीदार आते हैं, इसमें ड्राइवर आते हैं, ये सारे लोगों के लिए मैंने यहाँ पे खाना हिसाब किताब लगाया, कितने लोग हैं, 400 लोग हैं, हमने हिसाब किताब लगाया। तो जितना फ़र्ज़ किया उस वक्त हमारा जो ख़र्चा होता था वो 1200 मिलियन होता था फ़र्ज़ कर लें, तो ये जो ख़र्चा हमने लगाया है ये कोई हमें 6-7 मिलियन खर्चा है। अब 1200 मिलियन में से 6-7 मिलियन क्या चीज़ है, कुछ नहीं है। हमने कहा इनको खाना आप दें फ्री में, तो हमने यहाँ पे खाना दोपहर का फ्री किया। उस खाने को हमने आसान बनाया ना कि पहले दिन दाल, एक दाल, दूसरे दिन सब्जी, ठीक है, तीसरे दिन चावल, चौथे दिन फिर कोई सब्जी, और पांचवें दिन चिकन। अब ये खाना मिलेगा, जिसने खाना है खा लो, जिसने नहीं खाना वो इतराज़ मत करो, ठीक है। अब मैं नहीं जाता था इसलिए जाके खा लिया कि भाई ठीक है चेक तो करो, खाने की क्वालिटी बड़ी बेहतरीन होती सब खाते थे। अब आदमी ने दोपहर को खाना खा लिया आराम से, अब उससे आप मर्जी काम करवाओ, अब दोबारा से वो चार्ज हो गया ना, 6-7 बजे तक शाम को काम कर सकता है, रिलैक्स हो गए, फिर आधा घंटा पौना घंटा उसको एक ब्रेक मिल गई, पक्की ब्रेक मिल गई, अपने दोस्तों के साथ गप भी लगा लिए, ये भी लगा लिया, एंड दे आर रिलैक्स। और वही चीज़ जो है ना वो अपनी बातें कर लिया करते थे, उसको हमने दबाया हुआ नहीं था ना, कंप्रेस नहीं किया हुआ था, प्रेस नहीं किया हुआ था। तो ये चीज़ करते हैं, और इसी वजह से ये लोग जो है ना मेरे साथ बड़े सिंसियर है, लॉयल है, इस तरह से इन्होंने काम किया ये मैं जानता, अल्लाह जानता है या मैं जानता हूँ,
कि किस मेहनत के साथ काम किया है, किस सिंसियरिटी के साथ काम किया, कभी ना नहीं की, कभी उफ नहीं की, एंड और अच्छी क्वालिटी का इंस्टीट्यूट बनाए, चाहे फैकल्टी टॉप क्लास फैकल्टी है, चाहे सबसे सीनियर आदमी है वो है या सबसे जूनियर बच्चा हो, जो भी, एंड वी वर्क टुगेदर। वन लास्ट क्वेश्चन, कोई आपने 17 साल आप एक्टर रहे, इस दौरान कोई कॉन्सर्ट्स का ऐसे एलुमनाई जिनके नाम आपको याद हों स्पेशल, जो शाइनिंग जिनको आप मेंशन करना चाहें, आप चाहें कि हम जो अभी यहाँ पढ़ रहे हैं उनके साथ कनेक्ट कर सकें या उनकी अचीवमेंट देख सकें, और इसके साथ ही उसका फॉलो अप है कि कॉन्सर्ट्स का एलुमनाई नेटवर्क क्यों नहीं है? नहीं है, नहीं। देखें ऐसा होता है, आप ये जो काम कर रहे हैं ना, एक किताब है उसका नाम है क्लास, CLASS, वो किताब ज़रूर पढ़े आप, ठीक जी। जो काम आप कर रहे हैं ना वो किताब है, एक क्लास है, एक स्टूडेंट है ना, जैसे आपकी कोई क्लास होगी कि आप कब आए, 2019 में आए, 2018 में आए, और आप 2022 में पास आउट हो गए, और 20 साल के बाद आप कहाँ पहुँचे, कोई कहीं पहुँचा। तो ये हार्वर्ड की है और लिखी है एरिक सीगल ने, राइटर है उसका नाम है एरिक सीगल। एरिक सीगल ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था लव स्टोरी, शायद आपको पता, लव स्टोरी बड़ी फेमस किताब थी। ये दो बच्चों की कहानी है जिनको दोनों को कैंसर, एक को कैंसर हो जाता है ना, शायद लड़की को कैंसर हो जाता है, तो वो जो लड़का होता है ना, दोनों मतलब लव करते हैं एक दूसरे के साथ, और वो क्लास फेलो है, और जो लड़के का बाप है ना वो बहुत मल्टी मिलियनर है, और ये जो बच्ची है ना ये कैंसर में जाती, उसकी डेथ हो रही होती है, और वो उफड़ने वाली है, उसकी फिल्म भी बनी थी और बड़ी हिट फिल्म हुई थी पाकिस्तान में, उसकी फिल्म बनी थी, उसका नाम था मेरा नाम है मोहब्बत, वो फिल्म बनी थी, बाबरा शरीफ थी और शायद गुलाम मोहिद्दीन, उसने एक्टिंग की, बड़ी अच्छी फिल्म थी, वो भी देख ली। ये क्लास है ना उसने लिखी है उसी आदमी, और वो बताया कि ये जो आपकी क्लास आई है 2018 में, ये बाद में जाके क्या बनी, फिर उन सबको इकट्ठा करते हैं वहाँ पे, एक ट्रेडिशन है उनकी कि जो क्लास आती है उस दिन, नई क्लास आ रही है आज बिल्कुल नया शुरू होता है ना, ओरिएंटेशन जैसे जिस दिन आपकी होती है, तो उस दिन क्या करते हैं, वो क्लास को बुलाते हैं जो 25 साल पहले आई थी, ठीक है, 25 साल पहले जो क्लास आई थी। अब इस साल अगर 22 में क्लास 20 साल पहले वाली को बुलाएं, 2002 में आई थी उसको बुलाएं, और उसको बुलाते हैं जो 50 साल पहले आई थी। अब 2000 जो 25 साल पहले आई थी, तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच चुके होते हैं, कोई कहीं पहुँच जाता है, कोई कहीं पहुँच जाता है, उससे कहते हैं वापस तुम इदारे को क्या दोगे, कोई कहता मैं 1 लाख दूंगा, कोई 2 लाख दूंगा, कोई 5 लाख दूंगा, या नहीं दूंगा, ठीक है, या मैं एक ब्लॉक बना दूंगा, एक मस्जिद बना दूंगा, या मस्जिद में मैं सफ़े डलवा दूंगा, वगैरह वगैरह। वो एक लीडर होता है, वो सबको इकट्ठा करता है, वो सबको इकट्ठा करता है, कोई कहीं होता है बड़ा मुश्किल से इकट्ठा करता है, और फिर उसमें बताते हैं कि कौन कहाँ किस तरीके से किया है। अब जो आप एलुमनाई को इकट्ठा करने वाले, मैं आपको नाम दे दूँगा, बहुत सारे लोगों के नाम दे दूँगा, उनके खास कर नाम दूँगा जिन जो कि बड़े पैसे कमा रहे हैं, ठीक है ना, पैसे कमा रहे हैं, उनकी क्लास आप इकट्ठी करें, जैसे आप आज मुझे बुलाया था, उस दिन ऐसा करें कि आप काफ़ी सारे लोगों को बुलाएं, 25 करें, 50 बच्चों को करें, 50 लोगों को बुलाएं, 50 के टारगेट, और फिर उनसे पूछें कि तुम क्या कर सकते हो, और इसको फिर प्रोफेसर साहब से कहें ऐसा से कि हर साल का वो करें, ठीक है, पहला बैच कब पास हुआ, दूसरा कब पास हुआ, तीसरा कब पास हुआ, चौथा कब, आप डिपार्टमेंट को ना देखें, BSc यानी पूरे उसको देखें, तो देन यू ट्राई टू गेदर दैट वन, ये बड़ा काम है, ये अच्छा काम कर रहे हैं, चलो बनाई का, हमने तो ज़माने में बनाई थी, आपको मैं दे दूँगा बुक दे दूँगा जिसमें एड्रेसेस वगैरह हैं लोगों के, जो एंटरप्रेन्योर बने हैं ख़ास तौर से उनके दे दूँगा, और उनको बुला भी लेंगे किसी वक्त आपके लिए पास कीजिए, आप लोग जो है नौकरी करें या बिजनेस शुरू करें या लोग एंटरप्रेन्योर बने वगैरह वगैरह, तो ये हम आपके लिए काम करने को तैयार, ठीक है। और बताओ, और पूछो, सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था, आई एम बेसिकली फ्रॉम क्वेटा, तो आई वाज वंडरिंग कि कॉम्सेंस का ब्रांच क्वेटा में कब होगा। क्वेटा में बेटा हमने ज़मीन तो ले ली है, अब पैसे अभी करते हैं इंशाल्लाह, बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा।
अब क्या करो कोयटा में जाके साइकोलॉजी डिपार्टमेंट स्टार्ट करने। तो ये जो कैंपस बना के क्या करो? तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कोयटा से यहाँ आते हैं स्पेसिफिकली कॉमर्स आर्ट्स में एडमिशन के लिए, तो इट वुड बी कन्वीनियंट फॉर देम कि अगर वहाँ भी कॉमर्स आर्ट्स का बन जाता है। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। ओके बेटा, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। थैंक